हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आरबी डिजिटल में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम 2000 वाट ये ऑडियो ड्राइवर बोर्ड का जानकारी हम देंगे। ये आपका प्रोटेक्ट एबी 4000 वाट में लगा हुआ है, एबी क्लास पावर एम्पलीफायर है। आज हम इसके बारे में बतलाएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। आज उसी प्रॉब्लम पर हम चर्चा करेंगे। और पहले भी इसका वीडियो हमने दिया है जो आपने देखा होगा। और ये सेम इसमें वर्क रिपेयर करने का तरीका पहले जैसा है। ये डबल चैनल का सेट है। तो आज खास इसमें हम वो बताने जा रहे हैं जो इसमें समस्या होता है, क्योंकि रिपेयर करना तो आसान होता है, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम रिपेयर कर नहीं सकते हैं। आसान जब होता है तब हम किसी चीज़ को रिपेयर करने से पहले समझ जाते हैं। तो आज हम समझाने का कोशिश करेंगे। इस सेट में हम बेसिक नॉलेज बताएंगे जो आपको रिपेयर करने में आवश्यकता है और ज़रूरी है। तो अब तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिले। तो चलिए पहले कुछ इसके हम अब देख लेते हैं कि इसमें अंदर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पावर, यहाँ से पावर का सप्लाई दिया गया है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपस सेट बंद हो जाएगा, लेकिन फ़ैन चलते रहेगा। तो फैन का जो है कनेक्शन डायरेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ये आपका देख रहे हैं। तो ये तीनों में से कोई भी ख़राब रहेगा तो ये आपका जो है स्लाइन ब्रेक कर देगा, क्योंकि एक दूसरे यहाँ पर 3 पीस लगा रहता है, मैंने एक डायरेक्ट कर दिया है। तो ये ख़राब रहने पर आपका जो है लाइन आगे बढ़ेगा नहीं। और ये आपका जो है से कि हमारा रिले लगा हुआ डायरेक्ट लाइन जो है सिखाता है। तो ये कंट्रोल का करने के लिए जो है सब पावर को जो है से कि कट ऑफ करता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इसका सिस्टम बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं मॉड्यूल है, और इधर भी आपका दूसरे का मॉड्यूल है, और इधर भी आपका देख रहे हैं ऑडियो ड्राइवर बोर्ड है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो है ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं है ना, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं। तो ये वर्क और ये वर्क जो होता है, तो इसमें आपका ये जो वर्क होने के लिए है ना, संकेत देने के लिए एक किट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 2 रिले लगा हो रहता है, और यहाँ देखिए रिक्टिफायर लगा हुआ है। एक इधर रिक्टिफायर लगा हुआ है, इसकी सप्लाई इधर दिया है और इसकी सप्लाई यहाँ से इधर दिया है, यानी दोनों का सप्लाई अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस कंपनी लगा के देती है जो आप देख रहे हैं, बाकी से देख लीजिए है ना। ये इस तरह का जो है हम दिखला रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस जल जाए, खराब हो जाए, तो उसके एवज में आप देखिए मैंने इधर जो लगाया है आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो चलिए ये तो था इस एम्पलीफायर में किस प्रकार का पार्ट्स लगे रहते हैं। अब हम इसका डिटेल्स में हमको उद्देश्य है इसके बारे में समझाना, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने देखिए अब यहाँ पर रिपेयर जो किया है आप देख रहे हैं है ना, मैंने इस बोर्ड में रिपेयर किया है। तो काफ़ी इसमें सामान जल गया था, ये आप देख रहे हैं। ये आप यहाँ पर देखिए जला हुआ है, यहाँ पर इसका चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है। तो ये अगर आपके पास अगर कोई दूसरा बोर्ड नहीं रहेगा, पार्ट्स जल जाएगा, नंबर पता नहीं चलेगा, तो जानकारी उसको हम देने के मकसद से ही हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप रिपेयर कर सकें। इसके पहले भी हमने 2000 वाट 2000 वाट का ऑडियो ड्राइवर बोर्ड मैंने दिया था जो 5200 और जो है 1943 पर आधारित था, तो उसका ही फुल्ली जानकारी मैंने दिया था। और आज मैं यहाँ पर आपको दिखला रहा हूँ जो ये भी आपका 2000 वाट तक बिल्कुल फुल्ली अच्छा काम करता है ना। ये 1000 वाट से लेकर करके जो है 2000 वाट तक का बोर्ड का इस्तेमाल होता है। आप इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है और आसान है इसका यूज करना और अच्छा काम भी करता है। तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी सेट में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अगर आप कोई नया सेट अगर कसना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो अब इसका जानकारी हम जो देने जा रहे हैं वो है इसमें लगे पार्ट्स का, इसमें लगे पार्ट्स कौन कौन से हैं और जल जाते हैं तो कौन सा पार्ट्स जो है जलते हैं ज़्यादातर और किस कारण से जलता है, ये भी हम आपको पुष्टि करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि ये वायर कनेक्ट कहाँ होता है। ये देखिए जैक है, ये वायर देखिए यहाँ पर कनेक्ट होता है ना। कलेक्टर बेस मीटर से जो है इसका फंक्शन होता है। और रह गया इसमें पार्ट्स, तो सबसे पहले देखिए इसमें पार्ट्स जो कंडेंसर है, कंडेंसर खराब होने के बाद इस पर नंबर मिल जाती है। जैसे फिर भी मैं बता दूं कि 22 MFD 250 वोल्ट की दोनों साइड लगी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये साइड जो ट्रांजिस्टर आपका लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर का नंबर होता है 15032 यहाँ पर लगा हुआ होता है। और फिर यहाँ पर आते हैं ये बीच वाले पर, तो यहाँ ठीक है। और इधर आते हैं यहाँ पर, तो ये नीचे में जो लगा हुआ ट्रांजिस्टर हमारा है वो आपका 15033 है। और ये साइड में जो लगा हुआ हमारा ट्रांजिस्टर जो रहता है 2S है ना, 4793 है। ये हो गया ट्रांजिस्टर। अब रह गया इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हैं जो भी कभी मतलब जल कर ब्लास्ट कर जाते हैं तो पता नहीं चलता, तो इसका भी मैं नंबर आपको हम बतला दूं ताकि आप रिपेयर कर लें आसानी से। तो हम बारी बारी से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर आपका लगा हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर आपका लगा हुआ है ना, MPS ए 42 लगा हुआ है। और ये साइड का जो लगा हुआ है, ये जो आपका नीचे में जो लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है MPS A है ना 92 लगा हुआ है। तो इस तरह का ये यहाँ पर दोनों आपका ट्रांजिस्टर हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो पार्ट्स हैं जो जल जाते हैं तो उसका भी हम आपको विश्लेषण बता दें। देखिए फर्स्ट वाला जो आपका यहाँ पर लगा 1 किलो है, और ये आपका जो लगा हुआ है 390 है, 390 है ना, 390K है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है आपका 27K है। और यहाँ पर जो जनर लगा हुआ है आपका 4148 है। इधर आइए तो यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं ये आपका जो है 150 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाली 150 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर भी जनर जो लगा हुआ है 4148 है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाली 1K, और ये आपका 27 के लगा हुआ है। और ये पीएफ जो लगा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर पीएफ भी कभी कभी जल जाता है, तो ये भी आप जो है पल्स का काम करता है। तो ये 471 की है और दोनों साइड से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पीएफ है, सेम पीएफ होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायोड लगा हुआ है और इधर भी डायोड लगा रहता है। कोई कोई सेट में आप यहाँ पर डायोड के जगह पर आप देखेंगे एलईडी लगा हुआ रहता है, ठीक है, किसी किसी में एलईडी भी लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक पीएफ है, ये इसका नंबर होगा आपका जो है 100 है ना, पीएफ का नंबर है 100। और इधर भी आपका 100 एनएम है, एनजे है, इधर भी यहाँ पर जो लगा हुआ है 100 एनजे है। तो इस तरह के यहाँ पर लगे हुए पार्ट्स होते हैं। ज़्यादातर आपका पार्ट्स यहाँ पर जलते हैं इस जगह पर, और ज़्यादा पार्ट्स इधर जलते हैं, यहाँ पर जलते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जब भी आपका इधर मॉस्फेट शॉर्ट करेंगे, इस शॉर्ट करेंगे तो आज कभी कभी मान लिया जो है शॉर्ट करने के बाद है ना, तो यहाँ पर लोडिंग आने के बाद ये सब जल जाएंगे, है ना, ये सब जल जाएंगे। तो ऐसा होता है। और इधर आपका जो देख रहे हैं इधर साइड का ट्रांजिस्टर और इधर साइड ट्रांजिस्टर भी खराब होने पर ये शॉर्ट करता है। तो ये आपको जो है ध्यान देना होगा कि हम किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर भी आपका देखिए पार्ट्स है, यहाँ भी आपका जो है लोडिंग में आपका जलेगा। तो ये सब पार्ट्स जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में रिपेयर करने में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जलता हुआ पार्ट्स बताते हैं। यहाँ पर भी आपका पार्ट्स जलता है जो कि आपका जो है 390 किलो का है और 220 ओम का है। यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ये डायोड का नंबर होता है आपका जो है से यहाँ पर लगा हुआ है जो उसकी IN 4756 है, हाँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर डायोड लगा हुआ रहता है। एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर आप देखिए, इसमें बीच में ट्रांजिस्टर छोटा छोटा लगा हुआ है, एक यहाँ है, इसके बारे में बतला दिया है। और यहाँ पर एक लगा हुआ ट्रांजिस्टर होता है जो इसका नंबर आपका है ना, एच जो है H 669A होता है इसका नंबर। और इधर देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों आपका जो है से कि एक ही नंबर होता है जो A42 है। ये तीनों ट्रांजिस्टर A42 लगा हुआ है, ठीक है, A42 लगा हुआ है। और भी इसमें जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स है, तो सबको आप अपने स्तर से भी आप देख सकते हैं। जितना मतलब हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ता है, दिक्कत होता है, वो हमने बता दिया है जो जहाँ पर पार्ट्स जलते हैं, ताकि आप वीडियो में कलर कोड नहीं समझ में आता है तो दिक्कत होता है। तो हमने यहाँ का बता दिया, यहाँ का बता दिया और यहाँ का बता दिया, यहाँ का बता दिया, है ना। और भी ऐसे इधर का भी है तो हम बता दें। यहाँ पर देखिए 1.5 लगा हुआ है और इधर भी यहाँ इस साइड में 1.5 लगा हुआ, और ये बीच वाले में जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है वो आपका 68 ओम का है। तो इस तरह से आप इधर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है 100 ओम्स का लगा हुआ है, 330 ओम का लगा हुआ है, और ये 4007 डायोड लगा हुआ है दोनों साइड। तो इस तरह का जो है आपका इसमें पार्ट्स लगे हुए आपका रहते हैं। तो सवाल ये होता है कि अब कोई भी सामान इसमें अगर जल जाता है तो दिक्कत होता है, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगा, रिपेयर करने में आपको बहुत इजी और आसान होगा। तो इस तरह से जो है आपका 1000 वाट से लेकर करके अब 2000 वाट तक का ये ऑडियो ड्राइवर बोर्ड का जानकारी हमने आपको दिया है। और इसमें विशेष जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जहाँ तक हमसे बनेगा हम आपको अवश्य ही मार्गदर्शन करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इससे हट करके आपको समझाने के लिए। तब तक का धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।